Good morning, students. How are you? I hope all you are fine and studying well. I am Samir, and today I am going to teach you Social Science, Chapter Number 5, Second Semester, Part 2 video. So, in the past video, you have learned about the Indian agriculture. So, in this video, you are going to learn about the Indian industries. There are various industries developed in India, in various sector. Industries is called the second sector of the Indian economy. So before going to learn, here just things to know about for you. The canal length of Indira Canal. The length of Indira Canal is 9,425 kilometers. It is the longest canal project of the world. It is because of the canal that barren land of Rajasthan become fertile for farming. Rajasthan की जो भूमि है वो barren है, यानी कि फलद्रुप नहीं है, उज्जड़ भूमि है, और उसी भूमि को फलद्रुप करने के लिए, जिसके वजह से वहाँ पे अच्छी फसल होगी, तो उसी के लिए ये एक कैनाल सबसे बड़ी लगाई गई है, सरकार ने लगाई है. और इस कैनाल में पानी जो है वो कौन सी नदी का आता है, तो वो सतलुज नदी का आता है. कौन सी नदी का आता है? सतलुज नदी का. ओके, नाउ इंडियन इंडस्ट्रीज. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रीज? इंडस्ट्रीज मींस उद्योग, जहां पे चीज वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है. इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर बोथ आर इंटरकनेक्टेड. वाई? बिकॉज द रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाई द एग्रीकल्चर टू द इंडस्ट्रीज. दैट इज वाई इंडस्ट्रीज नीड्स एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर नीड्स इंडस्ट्रीज. सो इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी हमें इन्वेस्ट करना हो तो, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन. इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स, विच आर द इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन. नाउ लेट्स सी द इंडस्ट्रीज इन इंडिया. मीन्स कॉटन इंडस्ट्रीज. वेन पीपल मेक थिंग्स एट होम इन विच द इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो, लाइक इंसेंस स्टिक्स, पापड़, फर्नीचर, पिकल, इज कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज. विच आर इंडस्ट्रीज? कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी गृह उद्योग. विच आर उद्योग? इसे हम बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, मीन्स गृह उद्योग, जो हम घर पे बनाते हैं वो. हियर नाउ देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी छोटे उद्योग. वो होते लघु उद्योग, अब ये छोटे उद्योग. द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्री, सम मशीनरी, सम वर्कर्स, एंड इन द विच इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉटेज इंडस्ट्रीज, जिसमें गृह उद्योग से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं छोटे उद्योग. इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टॉयज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक आइटम्स आर मेड. और इन उद्योगों में टीवी, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक के आइटम्स सब बनाए जाते हैं. दिस आर द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री. नाउ देन द थर्ड कैटेगरी ऑफ द इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज. हैवी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच बिग फैक्ट्री, बिग मशीनरी एंड लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स वर्क. हैवी इंडस्ट्री में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, बिग फैक्ट्री होती है, बिग मशीनरी होती है, और बहुत सारी मात्रा में वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं. सो मैनी वर्कर्स आर वर्क्स इन हैवी इंडस्ट्रीज. इट रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट, सो इट इज कॉल्ड हैवी इंडस्ट्रीज. इट इंक्लूड्स आयरन, स्टील, मोटर कार, सीमेंट एक्सेट्रा.
So now I am giving you one activity for you. Search about the small cottage and heavy industries and list out their names and write in your notebook. Now let us know about the different industries of the country. These are the various states. Observe, some industries are developed in the various state in India. Cotton cloth industry. What is required to make cotton cloth? Require crops of cotton. The cultivation of which crop leads to develop the cotton cloth industry? Cotton seeds. The cotton textile industry has developed in India in Ahmedabad, Surat, Mumbai and Coimbatore. Then woolen industry. This industry was started as a cotton industry and now it has developed into an important big industry. It has developed in Punjab, main center at Ludhiana, Maharashtra, Gujarat, Jamnagar, Ahmedabad and Haryana. Then sugar industry. Which crop is required to prepare sugar? Sugar cane. Sugar cane is required for the sugar industry. Sugar juice is required to make sugar. Sugar industry is mainly developed in Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. Specially jaggery means good. Jo banta hai wo bhi sugar cane se banta hai. Then cement industry. Search about it. Which minerals are required about cement industry? Where is cement used? In the recent year, the cement industry has rapidly developed in India. The state like Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, etc. are known for cement industry. Then, paper industry. Paper is used daily by every day for writing work, for book. The paper mills are situated in West Bengal, Uttar Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu and Gujarat. Paper used in newspaper is made in Nepanagar in Madhya Pradesh. Yani hamare ghar pe jo newspaper aata hai uska jo kagaz hota hai wo kahan pe banta hai? तो उसका एक ही सेंटर है मध्य प्रदेश के नेपानगर में. एंड द करेंसी नोट पेपर इज मेड इन होशंगाबाद एंड देवास. और जो हमारी करेंसी यानी कि रुपीस की नोट जो होती है वो नोट का पेपर कहाँ बनता है? होशंगाबाद और देवास में. देन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. फॉर स्मॉल नेल्स टू ह्यूज मशीनरी and their spare parts, everything is made iron and steel industries. छोटे से छोटा साधन जो होता है मशीनरी का वो iron और steel industry में बनता है. The iron and steel industries in India are located in Bhilai, Madhya Pradesh, Bokaro, Bihar, भद्रावती कर्नाटका, जमशेदपुर झारखंड एक्सेट्रा. दीज आर द प्लेसेज वेयर इंडस्ट्रीज डेवलप इन इंडिया. जमशेद जी टाटा इज नोन एज द फादर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. देन सेवन इज जूट इंडस्ट्री. जूट क्लोथ, गैनी बैग्स, जूट बैग्स एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम जूट फाइबर्स. Nowadays, the demand of the gani bags and jute bags have reduced. In its place, bag made from artificial fiber are in demand. Now, search out where are the jute industries located, find out the maps and write.
Then petrochemical industry. Mineral oil is extracted from interior of the earth. यानी कि खनिज जो है, खनिज ऑयल, खनिज तेल, वो पृथ्वी के सतह से हम प्राप्त करते हैं. There are many components in mineral oils. और उस खनिज तेल में काफ़ी सारे components होते हैं, काफ़ी सारे घटक होते हैं. Different components are separated after its purification to get kerosene, diesel, petrol, tar, coal, etc. और उसी खनिज तेल में से हम उस खनिज तेल को प्योरीफाई करके उसमें से कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, टार, कॉल, वो सब हमें उस खनिज तेल में से मिलता है. दिस इंडस्ट्री इज डिपेंड ऑन मिनरल ऑयल. द रिफाइनरीज इन वडोदरा, जामनगर, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई एक्सेट्रा प्योरीफाई मिनरल ऑयल. And these industries are developed in that places. The dyeing and the pharmaceutical industries are parts of the petrochemical industries. Various chemicals, soda ash, petrochemical, etc., are produced as the part of the dyeing and pharmaceutical industries. Today, chemical fertilizers are used more in agriculture. The chemical fertilizers factories are located in Kalol, Vadodara, Sindri, Mumbai, Gorakhpur and Durgapur. Means fertilizer factories like IFCO, Indian Fertilizer Corporation, IFCO. Dear children, fill in the blank table given in the below. Write the information provided in the lesson and also add extra information if you can. Industries dependent on agriculture, industries dependent on minerals, industries dependent on forest. You have to write in three column. So I hope you understand. So we will see in next video about the transportation in India.